कोई भी शाही दस्तरखान मुकम्मल नहीं होता बिना मुसल्लम के। तो बात की आज मुसल्लम की, तो आज हम बनाएंगे मुर्ग मुसल्लम। मैं अफराज, आपका मॉडर्न खानसामा, आज आपको सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं मुगलाई रेसिपी ऑफ मुर्ग मुसल्लम। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है एक अक्खी मुर्गी जिसे मैंने छिल कर साफ़ करके रखी हुई है। तो सबसे पहले एक फोक के हेल्प से इसे प्रिक करेंगे ताकि सारा मैरिनेशन है वो अंदर तक जाए। और कहा जाता है पहले जब नवाबों के लिए मुर्ग मुसल्लम बनाया जाता था तो उसकी शुरुआत 100 दिन पहले होती थी। अब 100 दिन पहले क्यों, 100 मुर्गियाँ लाई जाती थी, एक साथ रखते थे और हर एक दिन एक मुर्गी को ज़िबा कर दिया जाता था और उस मुर्गी को उनके खुराक में खाने के लिए दे देते थे। तो जो 100 मुर्गियों का अर्क होता था वो एक मुर्गी में होता था और तब बनता था शाही मुर्ग मुसल्लम। तो चलिए ये हो गया। फिलहाल आज के दिनों में हम 100 दिन का इंतज़ार नहीं कर सकते, तुरंत आज ही बनाएंगे इसे ताज़ी मुर्गी के साथ। यहाँ पर मेरे पास है थोड़ा सा केसर, उसमें मैं डालूँगा केवड़े का पानी। केसर के साथ इसे अच्छे से घोल लेंगे और इसे अब हमें इस मुर्गी पर लगाना है, अच्छे से मिला के मुर्गी को अंदर बाहर लगाना है। तो इसे अच्छे से हमने मैरिनेट कर लिया है, अब मैं इसे रखूंगा करीबन 30 मिनट रेफ्रिजरेटर में। तो चलिए चिकन हो गया मैरिनेट, अब बढ़ते हैं इसके मसाले की तरफ और कुछ मसाले इसे भूनने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं डेसिकेटेड कोकोनट लूँगा और उसे ड्राई रोस्ट कर लूँगा जब तक इसको हल्का सा सुनहरा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। कोकोनट हमारा अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो एक बड़े से बोल में मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगा। अब मैं थोड़ा खसखस डालूँगा इसमें और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। तो खसखस भी हो गया हमारा रोस्ट, इसे भी निकाल लेते हैं इसमें। अब थोड़ी सी चारोली, चारोली का पड़ना बहुत ज़रूरी है मुसल्लम में, अच्छा नटी फ्लेवर देता है ये। तो ये भी तैयार है, इसे भी निकाल लेते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम स्पाइसेस। थोड़ा सा धनिया, जीरा, सिनेमन स्टिक, थोड़े होल ब्लैक पेपरकॉर्न, थोड़े से क्लोव्स और ग्रीन कार्डमम। इसे भी अच्छी तरह से रोस्ट करना है अंटिल दे आर नाइस एंड फ्रेग्रेंट। सो ये भी हो गया, गैस को करते हैं बंद, इसको भी इसके साथ मिला लेते हैं। तो ये हमारा मसाला, मसालों को भूनना बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज अगर मसाले यहाँ नहीं भूनेंगे तो वो मैरिनेशन के बाद मुर्गी के साथ नहीं पकेंगे, क्योंकि हांडी में हमें कुछ नहीं भूनना, बस इसे मैरिनेट करना है, हल्का सा सियर करना है मुर्गी को और दम में पकाएंगे हमारे मुसल्लम को। सो मसाले इस स्टेज पे भूनना बहुत ही ज़रूरी। तो ये हो गया और चलिए अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो मसाला आ गया, अब इसमें पड़ेगा थोड़ा सा पानी और चलिए इसे पीस लेते हैं एक महीन पेस्ट में। चेक करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, हल्का सा पानी और, क्योंकि हमें एक स्मूथ पेस्ट चाहिए इसलिए पानी आप पहले ज़्यादा ना डालें नहीं तो मसाले पीसेंगे नहीं। तो हल्का हल्का करके पानी डालेंगे और एक महीन पेस्ट बनाएंगे इसका। तो अब शायद हमारा पेस्ट तैयार है। यस, दिस इज़ डन नाउ। अब लेते हैं एक बड़ा सा बोल और हमारा जो मैरिनेशन है वो तैयार करते हैं। इसमें पड़ेगी दही, दही के साथ साथ ये मसाला जो हमने बनाया है, और अब इसमें पड़ेगा थोड़ा सा ब्राउन अनियन पेस्ट, अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट और थोड़े सूखे मसाले, हल्का सा रेड चिली पाउडर एंड थोड़ी सी हल्दी। तो मसाले पड़ गए, अब जाएगा नमक, तो नमक इसमें डाल लेते हैं और अब इसे करना है मिक्स अच्छी तरह से ताकि जो मसाला है वो दही में अच्छे से मिल जाए। इसे मुर्ग मुसल्लम को कहा जाता है, इट्स अ टेक ऑन द फ्रेंच रोस्ट चिकन।
इब्ने अकबरी में भी इसका जिक्र है, द बायोग्राफी ऑफ अकबर में। तो मुग़लों के ज़माने में काफ़ी ये बनती थी रेसिपी। तो मैरिनेशन हमारा तैयार है, चिकन को जो पहला मैरिनेशन किया था अब उसके ऊपर पड़ेगा ये सेकेंड मैरिनेशन। तो चलिए कर लेते हैं सेकेंड मैरिनेशन। तो ये हमारी मुर्गी तैयार, लेते हैं एक बड़ा सा बोल, उसमें ले लेते हैं ये मुर्गी। तो अब पड़ेगा इस पे ये मैरिनेशन, अच्छे से मुर्गी को मैरिनेट कर लेना है। तो चलिए ये अच्छे से मैरिनेशन पकड़ लिया है मुर्गी ने, अब इसे फ्रिज में रखते हैं और 30 मिनट के लिए। तो मुर्गी मैरिनेट हो रही है, अब बनाते हैं उसकी स्टफिंग। सो स्टफिंग के लिए यहाँ पर मेरे पास है चिकन कीमा, इसमें मैं डालूँगा नमक, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेश जिंजर और फ्रेश गार्लिक का पेस्ट, थोड़े से ब्लांच्ड आमंड्स। ये सब जाने के बाद अब पड़ेंगे इसमें अंडे। सो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे अंडे हैं जिन्हें मैं चॉप कर लूँगा, ये भी जाता है इसकी स्टफिंग में। तो आपको रफली चॉप कर लेना है इसे। तो अब ये चॉप्ड अंडा इस कीमे के मिक्सर में, और साथ में पड़ेगा थोड़ा मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा गरम मसाला पाउडर। साथ ही में पड़ेगा थोड़ा सा तला हुआ प्याज, फ्राइड अनियन और थोड़े फ्रेश पुदीने के पत्ते। तो ये हो गया, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और ये होगी हमारी स्टफिंग चिकन के अंदर। तो ये हो गई हमारी स्टफिंग तैयार, अब चलिए इसे स्टफ कर लेते हैं हमारी मुर्गी में। तो अब इसकी जो कैविटी है यहाँ पर हमें फिल करना है हमारा स्टफिंग। तो मिक्सर में अब एक और अखान डालूँगा मैं, और इसको कोट कर लूँगा इस मिक्सर के साथ। तो ये हमारा मिक्सर रेडी, अब इसे अंदर स्टफ कर देते हैं, और इसकी हेल्प से ऐसे बस ऐसे इस हड्डी में घुसा देना है ऐसे, ताकि हमारा जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं आए। ऑल्सो यू कैन टाई दिस विद अ थ्रेड, आप इसे बांध सकते हैं अच्छे से सिक्योर करने के लिए। एंड देयर यू गो, सो सारा कुछ रेडी है, अब बस मुर्ग मुसल्लम को पकाना बाकी है। लेते हैं बड़ी सी हांडी, उसमें पड़ेगा देसी घी। तो घी हो गया गरम, अब वेरी जेंटली चिकन को उठा के अंदर, और ये सारा का सारा मैरिनेशन जाएगा इसके ऊपर। तो इसको हाई हीट पे दोनों तरफ से हमें सियर करना है, यानी कि पकाना है, और दो चम्मच की हेल्प से इसे फ्लिप करेंगे। तो ये हो गया, अब करते हैं इसकी सीलिंग की तैयारी। तो इसके लिड पर मैं लगाऊंगा ये गूंदा हुआ आटा। तो इसे अच्छी तरह से हम फैला लेंगे, जैसे हम अक्सर दम के लिए सील करते हैं हांडी, उसी तरह करेंगे इसे भी। तो अब इसे ढकना है हमें, आंच को करना है कम। तो चलिए जी इसे सील कर लेते हैं। तो इसे अच्छी तरह से सील करने के बाद इसको धीमी आंच पे एक नीचे तवा रख के हमें दम में पकाना है करीबन 45 मिनट्स, और हमारा मुर्ग मसल्लम तैयार होगा। तो चलिए आंच को करते हैं धीमी और नीचे रख देते हैं एक तवा। एंड नाउ स्लोली स्लोली ये पकेगा और सारे फ्लेवर्स चिकन में इन्फ्यूज होंगे और हमारा मुर्ग मसल्लम तैयार हो जाएगा। तो करीबन 45 मिनट से हमारा मुर्ग मसल्लम पक रहा है और मुझे लगता है ये तैयार होगा। तो गैस को करते हैं बंद और इसको खोल लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दम मुर्ग तैयार है, बढ़िया तरीके से पक चुका है ये हमारा मुर्ग मसल्लम। खुशबू बेहद अच्छी है और मैं बता सकता हूँ इसका जायका भी बहुत अच्छा होगा। तो चलिए करते हैं इसे फटाफट से सर्व, दो बड़े स्पून के हेल्प से इसे
बहुत जेंटली उठाएंगे, लिफ्ट करेंगे हम। चलिए इसे प्लेस करते हैं। और अब ये ग्रेवी इसके ऊपर, तो ये हो गया। अब इसे गार्निश करते हैं थोड़े बॉइल्ड एग के स्लाइसेस के साथ। थोड़ा सा ब्राउन अनियन, एंड फाइनली सम सिल्वर वर्क। तो लीजिए, तैयार है मुर्ग मुसल्लम। आप अपना दस्तरखान कब मुकम्मल कर रहे हो इस बढ़िया सी मुर्ग मुसल्लम की रेसिपी से? फिलहाल मैं आपका मॉडर्न खानसामा अफराज लेता हूँ इजाज़त। फिर मिलूंगा मैं आपको नई शाही रेसिपीज के साथ। फिलहाल अलविदा।